छोला चावल, छोले भटूरे ये सब तो हमने बहुत खाए हैं, पर आज मैं आप लोगों के साथ एकदम अलग तरह की रेसिपी छोले पुलाव शेयर करने जा रही हूँ। इसे चिकपी बिरयानी भी कह सकते हैं। ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, जो चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है उसी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे चैनल ऑसम फूड को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, उसके बाद में जो घंटी का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल की नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। यहाँ पे मैंने चिकपी पुलाव बनाने के लिए एक कुकर में 2 टेबलस्पून तेल ले लेंगे। आप तेल की जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, शाही जीरा 1 छोटा चम्मच, 8-10 दाने काली मिर्च के, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टुकड़ा जावित्री का। इन सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2 तेज़पत्ता भी डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हींग भी डाल देंगे, क्योंकि हम छोले से रेसिपी बना रहे हैं तो हींग आप ज़रूर डालिए, क्योंकि छोला थोड़ा सा गरिष्ठ होता है। अब इसे अच्छे से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि सारे मसाले थोड़ा सा कुक हो जाएं। ये अच्छे से कुक हो गया है। फिर मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक भून लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्चें, 1 सूखी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। ये देखिए बढ़िया सा गोल्डन कलर का हो गया है। बस इसी तरह से हमें प्याज को फ्राई करना है, क्योंकि हम क्विक बिरयानी की रेसिपी बना रहे हैं छोले के साथ में। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बड़ा टमाटर को कट करके मैं ऐड कर दे रही हूँ। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट ना जले, उसके लिए 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएंगी। ये अच्छे से भुन गया है। अब हमने यहाँ पे 1 कप छोले को भिगा दिया था 4 घंटे पहले, वो अच्छे से फूल गया है, उसको उबाल लिया है। यहाँ पे हमने सिंपली पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के छोलों को उबाल लिया है। देखिए अच्छे से उबल गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो हमने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ में, 1 मिनट तक इसे भून लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच में बिरयानी मसाला ऐड कर, बिरयानी मसाले से हमारे चिकपी पुलाव में फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरह से मसाला, आप बिरयानी मसाला मिल जाता है इजीली मार्केट में, तो आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1 बड़ा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिंपली जो घर में कुटी हुई लाल मिर्च होती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका और भी फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धनिया के पत्ते, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ। आपके पास दोनों में से जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं, और दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हमने भून लिया है, मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब यहाँ पर मैं भीगे हुए बासमती राइस डाल रही हूँ। बासमती राइस जब भी आप यूज़ करें बिरयानी या फिर पुलाव में, तो आप थोड़ी देर उसकी भिगाएँ ज़रूर, 15 से 20 मिनट तक। ये अच्छे से सूप मिक्स हो गया है। छोले के साथ में जब आप इस तरह से बिरयानी या पुलाव बनाओगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ। इतने छोला और चावल के लिए 1 कप पानी सफिशियंट है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, अदरवाइज़ गीला हो गया तो हमारा फिर ये क्विक पुलाव अच्छा नहीं लगेगा। अब इसका और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। आपके पास अगर बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। अब सीटी, 1 सीटी लगा लेंगे इसे। 1 सीटी लगाने के बाद अब हम चेक करते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट पानी के साथ में एकदम खिला खिला हमारा छोले का बिरयानी या फिर पुलाव बनकर तैयार है खाने के लिए। आप देख सकते हो लुकवाइज कितना डिलीशियस लग रहा है, और इसके सारे दाने एकदम खड़े खड़े हैं, कोई भी दाना चावल का हमारा टूटा नहीं, एकदम परफेक्ट हमारी ये छोले की बिरयानी बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पुदीना के पत्ते से गार्निश कर देंगे, और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे रायता के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कैसी ये टेस्टी छोले की बिरयानी या छोले का पुलाव रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, तभी नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।